तो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, दो लोगों की मौत रिपोर्ट्स आ रही है, जो अब ताजा जानकारी आ रही है, जो धमाका हुआ दो लोगों की उसमें मौत हुई है। काबुल एयरपोर्ट के पास रॉकेट अटैक हुआ, दो लोगों की मौत हुई है, ये शुरुआती जानकारी। मरने वालों की संख्या इसमें बढ़ भी सकती है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दो लोगों की मौत हुई है। काबुल एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट के पास का ये इलाका जहां से आपको ये धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, ये घर है, इसी पर रॉकेट अटैक किया गया। अटैक के बाद आपको धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। जानकारियां सामने आ रही हैं, दो लोगों की मौत, इससे पहले भी एक अटैक हो चुका है। अफरा तफरी की स्थिति वहां पर है, धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा है। जिस हमले की आशंका पहले से ही दे दी गई थी, बता दिया गया था कि हमला होगा, वो हमला हुआ। अफरा तफरी की स्थिति है, नीचे देखिए, नीचे लोग इधर उधर दौड़ते नजर आ रहे हैं। दो लोगों की मौत हो चुकी है, घर पर ये रॉकेट अटैक हुआ है, लोग पानी से आग बुझाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, पानी से लोग आग बुझाते नजर आ रहे हैं, धुआं बहुत ज्यादा है, बहुत दूर से धुएं का गुबार उठता हुआ आपको नजर आएगा। अफरा तफरी की स्थिति है। रुबिंदर, हाँ जी हाँ, मैं ये कह रहा था, देखिए भारत के इंटरेस्ट के हिसाब से जनरल कुलकर्णी और कारजू साहब जो बात करें वो फुल्ली एग्रीड है, हमें अपनी सिक्योरिटी का इमीडिएट देखना है। पर अभी जो बात मैं ज़्यादा करना चाह रहा था वॉज ऑन ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट, और भारत के एंगल से स्ट्रेटेजिक आप देखें तो हमें एक चीज़ और करनी चाहिए इमीडिएट, हमें ईरान से सैंक्शंस हटवाने का प्रयास तो करें अमेरिका से। ईरान से अगर अमेरिका ने सैंक्शंस नहीं हटाई तो हम तो टोटल लॉकआउट हो गए इस जोन से। ईरान वैसे भी चीन की तरफ टिल्ट होते जा रहा है, राइट? तो एक हमें अपने सेल्फ इंटरेस्ट में वो प्रयास करना है। अब दूसरा कमिंग बैक ह्यूमैनिटेरियन, काजू साहब भी वही कह रहे हैं, एंड ऑफ द डे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी जाएगी, ये लोग भूखे मरने शुरू होंगे अफगानिस्तान में, दुनिया देगी, उस पर कंडीशन लगनी चाहिए। और वो कंडीशन होनी चाहिए तालिबान को कि आप अपना बिहेवियर कुछ तो बदलो, आप -100 का शारिया की बजाय -70 कर लो, लड़कियों को 5वीं की जगह लड़कियों को मानो 12वीं तक पढ़ने दो, ठीक है, म्यूजिक बैन कर दो, कुछ ये अलाउ करो, नौकरी पे जाने दो, हेल्थ पे काम करने दो। मैं थोड़ी सी जो तस्वीरें इस वक्त आ रही है धमाके के बाद की उस पर आप बात करें तो मैं चाहूंगा, क्योंकि अभी तो हम कह रहे हैं कि 31 अगस्त तक अमेरिका चला जाए, अमेरिका कह रहा है अभी तो संभव ही नहीं है, एक महीना और लग सकता है इसके लिए, रेस्क्यू करने के लिए, अभी तो कई विदेशी नागरिक यहां पर है, अगर ऐसे एक के बाद एक धमाके होते रहे, एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, क्या जो बचा खुचा रेस्क्यू ऑपरेशन का काम है वो हो पाएगा? तो ये तस्वीरें देख के तो लग रहा है या तो ये रॉकेट अपनी जो भी टारगेट था शायद उसको मिस कर गया है, या तो, या फिर जहां भी इन्होंने एम करा है वो एक स्ट्रेटेजिक एसेट था वो हमें भी पता नहीं है, या फिर इनका एम था एयरपोर्ट तक रॉकेट मारना और वो रॉकेट पूरा पहुंचा नहीं है। वही जो हम शुरू में बात कह रहे थे, अगर ये रॉकेट मान लो हवाई पट्टी पे गिर जाता तो सारी इवैक्यूएशन रुक जाएगी इसी वक्त से, राइट? तो अभी इन्होंने किस मंशा से रॉकेट मारा था वी डोंट नो, और टारगेट जहां ये गिरा है जिस बिल्डिंग में, क्या किसी दुश्मन इनके हिसाब से थे, बट चांस तो कम लगता है किसी बिल्डिंग में मार के इनको कुछ फायदा हो। इन्हें तो मारना इस समय या तो जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे हो ताकि लोगों को डैमेज हो, या फिर रॉकेट ऐसी जगह मारे जिसके चलते एयरपोर्ट ठप हो जाए, एयरपोर्ट पे गड्ढे हो जाए ताकि हवाई जहाज उड़ने के काबिल ही ना रहे, तो सारे के सारे लोग वहां फंस गए इंक्लूडिंग अमेरिकन सोल्जर्स, वो निकल ही नहीं पाएंगे वहां से, दो दिन क्या हो तो दो महीने तक नहीं निकल पाएंगे अगर एयरपोर्ट डैमेज हो गया तो। अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ जुड़ गए। अचल मल्होत्रा साहब, जिस बात की आशंका जताई गई, जिस बात का डर जताया गया वो हुआ और रोकने वाला कोई नहीं, कहा गया था हमला होगा, हमला हुआ, हमारे सामने तस्वीर, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें मूक दर्शक। जी हाँ, वो तो बड़े देखिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा लग रहा है कि सडनली पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान की तरफ से मुंह मोड़ लिया है। एक्चुअली इसके अंदेशा तो उसी दिन हो गए थे जब 29 फरवरी 2020 को अमेरिका ने एक समझौता किया था तालिबान के साथ, और उस समझौते ने टेरर ऑर्गेनाइजेशन को लेजिटिमाइज किया था और वहाँ की ड्यूली इलेक्टेड सरकार को जो है अंडरमाइन किया था। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह मझधार में छोड़ के हौच-पौच तरीके से जो बाइडेन की सरकार अफगानिस्तान को चली जाएगी। अगर इनके पास इतनी इंटेलिजेंस है, इतना सब कुछ है, तो इन्हें ये भी तो मालूम होना चाहिए था कि तालिबान जब कंट्रोल करेगी तो पूरा कंट्रोल नहीं कर पाएगी, और बहुत सारी दूसरी ऐसी फोर्सेस हैं अफगानिस्तान में जो सरदर्द बन जाएगी तालिबान के लिए भी और पूरे रीजन और पूरी दुनिया के लिए, जिसमें अमेरिका और नेटो अलाइज भी शामिल होंगे।
तो समझ में नहीं आ रहा कैसे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया, और अब तो बिल्कुल वो डिसइंटरेस्टेड है। अब उन्हें कोई उनका जो लास्ट एक ऑब्जेक्टिव था यहाँ से अपने अपनी जो पर्सनल है उनको निकाल के ले जाने का, वो भी पूरा नहीं हो पा रहा। और उसमें जो 13 सोल्जर्स मारे गए हैं उसके लिए भी उनका वहाँ पे बहुत ज़्यादा भर्सना हो रही है, बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। यहाँ तक कि एक डिसिप्लिन्ड आर्मी का जो है एक कमांडर जो है मरीन कमांडर जो शेलेक, उससे तो ओपनली मीडिया में जाके, सोशल मीडिया पे जाके अपने जो है सीनियर्स का और सरकार का खुल के जो है वो क्रिटिसाइज किया है, जिसके लिए ऑफकोर्स उसको ड्यूटी से वापस रिलीव कर दिया। और कुल मिला के ये है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अब हम धीरे धीरे उस स्थिति में जा रहे हैं जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ था, और कोलैप्स होने के बाद जो है एक बार सिविल वॉर हो गई थी, इसमें कंट्रोल अफगानिस्तान कंट्रोल के लिए डिफरेंट फैक्शंस में, जिसमें तालिबान फिर से उभर के आया था 1996 में। तो अब आप उसी पीरियड में वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में वो जो फोर्सेज जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं है तालिबान का, वो भी अपना सर उठाएंगी और पाकिस्तान को भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा तरीके तालिबान पाकिस्तान। अच्छा मल्होत्रा साहब, सभी देशों का हित अपने रेस्क्यू ऑपरेशन में तो है, इंटरेस्ट वहां तो है, लेकिन अगर ऐसे एक के बाद एक धमाके हुए एयरपोर्ट के पास, मेरा सवाल फिर यही है रेस्क्यू ऑपरेशन उसका क्या होगा? देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन अनफॉर्चुनेटली फिलहाल तो हॉल्ट पे आ ही गया है, अभी तो रोक दिया गया है, निकाल के ले गए, वो निकाल के ले गए। इस मामले में भारत सरकार ने बहुत समय रहते हुए एडवाइजरी दी थी अपने नेशनल्स को, और मुझे लगता है बहुत ही अच्छे समय पे हमने अपने डिप्लोमेट्स और एम्बेसी पर्सनल को वहाँ से निकाल लिया, और बाकी दूसरे कुछ सिख भाइयों हिंदू भाइयों को भी हम ले आए। और यहाँ पे भी देखिए ना, इनका कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। ये यूं सुस्ता रहे थे कि उनकी इंटेलिजेंस बोलती थी अभी है यार, अभी आपके पास 90 दिन और बाकी है, 90 दिन लगेंगे काबुल को फॉल करने में, और वो 10 दिन में फॉल हो गया। तो ये सोच रहे थे चल खरामा खरामा धीरे धीरे हम अपने लोगों को भी निकाल लेंगे, अपने हो सकता है अपने वेपन्स को भी निकाल लेंगे, लेकिन ये टोटल अमेरिका का फेलियर है, पॉलिसी फेलियर है, बंदोबस्त का फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, जिसका खमियाजा अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान की जो आम जनता है उसे और इस रीजन के दूसरे लोगों को और बाद में आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।